पंद्रहवां अध्याय भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवद्युम्न, देवद्युम्न के धेनुमति से परमेष्ठी और उसके सुवरचला के गर्भ से प्रतीह नामक पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतीह की भार्या सुवरचला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के तीन पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नामक दो पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गीत, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुषेण, पृथुषेण के आकूति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयमादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण रंजन लाड़चाव और शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहंग भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी बहुज्ञ धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछेड़े के स्नेह से पिनाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्नादि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्धस्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दीं तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं, वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक तीन पुत्र हुए। उनमें
चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के दो पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विशुचि नाम की भार्या से शतजित आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। 16वां अध्याय, भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारागण के सहित चंद्रदेव दीख पड़ते हैं, वहां तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवन, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूं, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलैटी में 16,000 योजन है, तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है, तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10,000 योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर, उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2,000 योजन है और ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 10,000 योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर
इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदंब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100-100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नरादि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादी उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिर शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े, प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरुमंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बू नद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्वादि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श पर्वत पर जो विशाल कदंब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 पुरसे जितनी है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती हैं। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100-100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्ष नाम का वटवृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुंभ, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, शिनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 योजन लंबे तथा 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत हैं।
इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उपदिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। 17वां अध्याय, गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवत पदी ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीर व्रत परीक्षित उस ध्रुवलोक में उत्तान पाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मुंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तर्षिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षु जन प्राप्त हुई मुक्ति को। यूं ये बड़े ही निष्काम हैं, सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहां तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती हैं और चंद्रमंडल को आप्लावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से चार धाराओं में विभक्त हो जाती हैं तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती हैं। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राश्व वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर छार समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिर शिखरों को लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारत वर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहां के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है।
उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति यौवन और उल्लास होते हैं उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहां ऐसे आश्रम भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियों और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित हैं। वहां निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस जलमुर्ग कारंडव सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मतवाले भौंरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों भवनों घाटियों तथा जलाशयों में वहां के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ादि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचर गण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहां के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता क्योंकि वहां जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंध में वर्णन करेंगे। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तमह प्रधान 4थी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभो, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूं। प्रभो, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन माइक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा? आप जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पान के कारण अरुण नयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसीलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहां स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ, वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्तत्व संज्ञक
प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। महात्मन, महत्तत्व, अहंकार, इंद्रिया अभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं।